हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में अगेन हम एक नए गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। ये जो गवर्नमेंट जॉब आपकी निकली हुई है, ये आपकी एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जॉब निकली हुई है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने जो नाम बताया है इस जॉब का, हेड कांस्टेबल की जॉब, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेशली फीमेल्स के मन में ये चीज आती है कि वो मोस्टली फीमेल्स मैंने ऐसा देखा है कि वो पुलिस की तरफ जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि एक उनका जो डेली रूटीन होता है और जो लोगों से, जैसे लोगों से उन्हें डील करना होता है, तो इस तरीके इस वजह से वो इस फील्ड में जाने के लिए मोस्टली लोग इग्नोर ही करते हैं, मोस्टली फीमेल्स इग्नोर करती हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं पहले आपको ये बता दूं, ये जो आपकी जॉब रहेगी इसमें आपको किसी के साथ में डील नहीं करना है, मतलब किसी कोई भी क्रिमिनल या ऐसा कुछ भी आपको डील नहीं करना है। यहाँ पे आपकी जॉब है, ये आपकी सिर्फ आपको अपने ऑफिस वर्क रहेगा, आपको कंप्यूटर बेस्ड आपकी ये जॉब रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब हम इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आपका जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सारी मैं अपने इस वीडियो में कवर करूंगी। तो अगर आप इस जॉब के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमने इस वीडियो को। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 800 प्लस रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों के ही वैकेंसीज निकली हुई है इसमें। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 29th of July है, मतलब अभी तो काफी टाइम है, बट आप अभी से डिसाइड कर सकते हैं आपको ये एग्जाम देना है या नहीं देना है। एग्जाम आपका अक्टूबर मंथ में हो जाएगा, तो आपके पास में अभी सफिशियंट टाइम है अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन को करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए, एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, तो एप्लीकेशन फीस इसमें बहुत अफोर्डेबल रखी गई है। जनरल आपकी जनरल EWS OBC के लिए 100 एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा अदर कैटेगरी के जो लोग हैं एंड फीमेल की, इसमें 0 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज वगैरह का, तो वो कैसे क्या है उसके रिगार्डिंग। एज जो आपकी रहेगी 18 से 27 तक रहेगी। ओके, अगर आप 18 से कम है अप्लाई नहीं कर सकते, 27 प्लस हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये आपकी एज कैलकुलेट होगी 1st of July 2022 से, और रिलैक्सेशन भी इसमें गिवन है, तो इसको आप इसके नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ओके, एजुकेशन क्राइटेरिया की बात की जाए, तो एजुकेशन में आपकी 12th होनी जरूरी है। 12th में आपका साइंस और मैथ एज अ सब्जेक्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका जो होगा, ये 4 स्टेजेस में होगा। अब यहाँ पे घबरा मत जाइएगा कि 4 स्टेजेस में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, बट आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, 4 स्टेजेस हैं, बट आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट स्टेज के बेसिस पे होगा। बाकी रिमेनिंग 3 स्टेजेस जो हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। ओके, इसमें कोई आपका इंटरव्यू तो नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी स्टेज 1 के एग्जाम की। स्टेज 1 का जो एग्जाम रहेगा, ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, जिसको आपको 90 मिनट्स में करना है। ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसमें आपके 5 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जो 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स आपका। इसके अलावा कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। अगेन इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो आप इजीली अगर चाहें तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफाई भी कर लेंगे इस एग्जाम को, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी क्या, नेगेटिव मार्किंग ही होती है। अगर आप कोई एग्जाम गलत भी, कोई क्वेश्चन अगर आप गलत भी करके आ रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड स्टेज में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसका जो भी मेजरमेंट है वो आपके नोटिफिकेशन में गिवन है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके इसको कंप्लीट, इसकी जो भी हाइट का मेजरमेंट है, लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है, उनको आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपके फिजिकल जो आपके होंगे टेस्ट होगा, इसमें आपका जो
आपका सेंटर रहने वाला है ये आपका दिल्ली में ही रहेगा, बट जो आपका फेज वन का है, स्टेज वन का है, उसमें आपका सेंटर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वहां पे आपको चॉइस डालनी है, तीन चॉइस आपको मिलेंगी, आपको जो भी आप चॉइस को प्रेफर करेंगे, जो भी सिटी या स्टेट को प्रेफर करेंगे, चूज करेंगे, वहीं पे आपका एग्जाम होगा। थर्ड स्टेज पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में बेसिकली इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है कि ट्रेड टेस्ट में ऐसा क्या होगा, इसमें सिर्फ आपका एक नॉर्मल रीडिंग और डिक्टेशन का टेस्ट होगा। डिक्टेशन मोस्टली हमने स्कूल टाइम पे बहुत किया हुआ है, मोस्टली बच्चों ने किया हुआ होता है, तो यहाँ पे ट्रेड और रीडिंग और डिक्टेटर टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपको डिक्टेशन बोली जाएगी और उसको आपको लिखना है। बेसिकली यहाँ पे क्या आपका आप कैसे किसी मैसेज को रिसीव करोगे और आगे फॉरवर्ड करोगे, उस तरीके की आपकी एबिलिटी को देखा जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग और आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा और ये खाली क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। फोर्थ स्टेज में आपका टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ये भी बहुत नॉर्मल टेस्ट होगा, जिसमें स्टेज वन जो पहला इसमें रहेगा आपका, फोर्थ स्टेज में आपको जो पहला टेस्ट देना है, इसमें आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड देखी जाएगी, 1000 वर्ड डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। तो स्पीड भी इसमें आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब अच्छा खासा आपको टाइम मिला हुआ है, तो आप इजिली कर लोगे इसको। सेकेंड स्टेज में आपकी कंप्यूटर नॉलेज देखी जाएगी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो होती है, जो कि आपने अगर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कंप्यूटर, तो आप इजीली इस एग्जाम को दे पाएंगे। जैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने की, ऑन करने की, ऑफ करने की, एमएस वर्ड के जो भी प्रोसेसिंग है उसको, एमएस एक्सेल को, मतलब ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा पूरा इसका कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन रही, जिसमें आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका फर्स्ट स्टेज के बेसिस पे रहेगा, और बाकी जो स्टेजेस हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। मोस्टली हम लोग क्या सैलरी के पीछे ही भागते हैं, सैलरी आपकी कितनी है, पहले सबसे पहले सैलरी बताओ, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें कौन सा एग्जाम देना है। तो सैलरी यहाँ पे आपकी 35,000 इन हैंड सैलरी रहेगी स्टार्टिंग की, जो आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होते होते आपकी 92,000 हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है वो ऑफिस में बैठने की रहने वाली है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो जिस पोस्ट के लिए निकला हुआ है ये जो आपका एग्जाम, ये पोस्ट है आपकी असिस्टेंट वायर लाइफ ऑपरेटर और टैली प्रिंटर ऑपरेटर की पोस्ट पे ये जॉब निकली हुई है, जो कि इजीली आप ऑफिस में बैठ गए, आपको खाली कंप्यूटर वर्क करना है इस पे। ठीक है, बाकी इसकी लोकेशन ऑब्वियसली दिल्ली में ही रहेगी आपकी, आपको दिल्ली में रह के ही काम करना होगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं, जिसको आप सैलरी के अलावा, ठीक है, तो आप जिसको अपने नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर।